चलिए अब हम थोड़ा सा आना चाहेंगे मोटिवेशन के लिए, आप बताना चाहोगे कि अभी तक आपने वेब स्टोरी से कितना आपने अर्न किया है? तो सतीश भाई, जैसे लास्ट आप ये लगा लो, हमने जनवरी से यूएसए टारगेट स्टार्ट किया था करना, और अब मेरे ख्याल अगस्त आ गया है, तो हमने 7 महीने में $20,000+ बना लिए हैं वेब स्टोरी से, सिर्फ वेब स्टोरी $20,000। यस, क्या बात है। और अभी पर मंथ क्या जा रहा है? पर मंथ सर हमारा $3,000 से लेके $6,000 इसके बीच में रहता है। कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पे वेब स्टोरी से रिलेटेड कुछ स्टोरीज मैंने पोस्ट करे थे, जिसमें मैंने बताया था कि मैं एक नए ब्लॉग पे वर्क कर रहा हूँ जिसमें मैं वेब स्टोरीज डाल रहा हूँ, और वो US बेस्ड वेब स्टोरीज मैं पोस्ट कर रहा हूँ जिससे मुझे इनकम भी होना शुरू हो गया है। उसके बाद मैंने ये भी पोस्ट किया था कि अगर कोई भी सतीश के वीडियोज़ फैमिली से कोई ऐसा मेम्बर है जो वेब स्टोरीज़ कर रहा हो और डेली का $50 से ज़्यादा इनकम कर रहा हो तो मुझे प्लीज़ DM करे। तो उसमें काफ़ी लोगों ने DM किया था, जिसमें शिवम जी ने भी DM किया था जो आज के वीडियो के गेस्ट हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेब स्टोरीज से हम कैसे पैसे बना सकते हैं और शिवम जी कैसे बना रहे हैं, और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि कैसे आप करेंगे, और इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वेब स्टोरीज से रिलेटेड वो सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शिवम जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सतीश भाई, थैंक यू सो मच। तो शिवम जी के बारे में मुझे इतना पता है कि शिवम जी फिलहाल अभी डेली के $100 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं सिर्फ वेब स्टोरीज से। इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, किस तरीके से ये काम करते हैं कि इतना बढ़िया ये अर्न कर पा रहे हैं, और उससे पहले शिवम जी खुद अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो मेरा नाम शिवम कौशिक है और मैं कुरुक्षेत्रा का रहने वाला हूँ, और मैं अभी इस टाइम ब्लॉगिंग करता हूँ और वेब स्टोरीज से अर्निंग कर रहा हूँ। क्या बात है। तो आप बताना चाहेंगे कि वेब स्टोरीज के बारे में आपको कैसे पता चला या फिर ब्लॉगिंग में आप कैसे आए? तो एक्चुअल में क्या हुआ सर, मैंने पहले 2019 में डिजिटल मार्केटिंग का जो है एक इंटर्नशिप किया था, तो उसके बाद मुझे ब्लॉगिंग के बारे में पता लगा, रैंकिंग के बारे में पता लगा, तो उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ और मैंने एक जो अपना डोमेन लिया था उस टाइम, तो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डोमेन ले चुका हूँ अब तक, तो काफ़ी सारे फेल भी गए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। नहीं तो आपने सीखा कहाँ से था ब्लॉगिंग एंड ऑल? ब्लॉगिंग सर एक्चुअली आपकी वीडियो सबसे ज़्यादा ही देखी है मैंने, उसके बाद और क्रिएटर्स थे। बिल्कुल सर। तो भाई इस वीडियो इस बात के लिए आपको हम पैसे नहीं देने वाले हैं, और मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि देखो शिवम जी यहाँ पर जीता जागता एक एग्जांपल है कि उन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस देख के वहाँ से इंस्पिरेशन ली और ब्लॉगिंग को सीख के आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले। एकदम टू द पॉइंट आते हैं कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेब स्टोरीज के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वेब स्टोरीज होता क्या है। तो वेब स्टोरीज बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, गूगल ने ही इसको लॉन्च किया था पिछले साल, जिसमें होता क्या है कि वेब स्टोरीज में जो कंटेंट होते हैं इमेज, वीडियो और टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, जो जैसे आप स्टोरीज कंज्यूम करते हो इंस्टाग्राम पे एक के बाद एक स्टोरीज आती हैं, वैसे ही इसमें भी कुछ स्लाइड्स होते हैं और इस फॉर्म में कंटेंट कंज्यूम किए जाते हैं, और ज़्यादातर इसके जो ट्रैफिक हैं डिस्कवर के ही थ्रू जाते हैं। इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप अपने अगर गूगल ऐप में जाओगे तो आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा, तो जो कंटेंट है उनको ही वेब स्टोरीज कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो वेब स्टोरीज का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया है, तो ऐसे में जो वेब स्टोरीज को बनाने वाले लोग काफ़ी कम है, तो इस वक्त जो गूगल है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक दे रहा है और नए ब्लॉग को भी मौका मिल रहा है ट्रैफिक लेने का, तो जो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शिवम जी, अब आप ये बताइए कि आपने वेब स्टोरीज करना कब से शुरू किया था? तो सर क्या हुआ, एक्चुअल में पवन सर की वीडियोस मैं एक बार देख रहा था, तो उनका जो ब्लॉग रिव्यू आया था 22, वहाँ पे उन्होंने फुल एक्सप्लेन किया था वेब स्टोरी के बारे में, तो हमने उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था वेब स्टोरी करना, नवंबर की बात है, नवंबर 2021 की। तो उसके बाद हमने सर इंडिया को टारगेट किया था उनमें, है ना, 2 या 3 मंथ में इंडिया को टारगेट किया था हमने। ओके, शुरुआत आपने इंडिया को टारगेट करते हुए किया था? बिल्कुल। और अभी आप कहाँ पे, US में टारगेट कर रहे हो? बिल्कुल सर, US में, और ब्राज़ील में भी होता है वैसे तो, लेकिन वहाँ लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत रहती है, तो अभी US से टारगेट। तो फ़र्क क्या दिखता है इंडिया, US, ब्राज़ील में? सर अर्निंग का है सबसे पहले तो फ़र्क। तो सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से होती है? USA से ही होती है सर सबसे ज़्यादा। ग्रेट। तो अगर हम बात करें वेब स्टोरीज से, आपकी डेली की इनकम कितनी हो जाती है? सर यही $50-$100 रहती है अभी तो फिलहाल। ओके, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा, ऐसे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आप क्या प्रूफ के लिए कुछ अगर वीडियो आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
तो शिवम जी मुझे वीडियोस भेज देंगे, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि शिवम जी का पर डे का इनकम है। और साथ ही साथ अगर आप अपना ट्रैफिक रिपोर्ट भी भेज दें तो उसको भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है शिवम जी, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वेब स्टोरीज पे काम कैसे शुरू करेंगे। ये तो मोटिवेशन के लिए हो गया कि यहाँ से इनकम हो रहा है, और मोटा मोटी आपने बोला कि नवंबर से आपने शुरू किया है ना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 6 से 8 महीने ही हुए। हाँ तो जी, हाँ जी, इतने कम समय में इस स्टेज तक आना, लाइक $100 तक पर डे का पहुंचना, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी तो मेरे $100 लगभग 1.5 साल में बने थे, तो लाइक काफ़ी मतलब टोटल $100, और आज आप डेली का $100 से ज़्यादा कर रहे हो, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो मैं बोलूँगा गाइस, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि शिवम जी काफ़ी कमाल कर रहे हैं। और दोस्तों, वेब स्टोरीज़ के लिए आपके पास वर्डप्रेस ब्लॉग का होना बहुत ज़रूरी है। वर्डप्रेस ब्लॉग आप शुरू कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि कैसे हम अपना वर्डप्रेस ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप होस्टिंगर के साथ जाते हो तो होस्टिंगर का जो 149 रुपीज़ वाला प्लान है, उसमें आपको एक फ्री डोमेन भी मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको एक SSL भी मुफ्त मिल जाता है। और अगर आप सतीश के वीडियोज़ फैमिली से हैं, तो अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे सतीश के, तो आपको अप टू 10% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप हमारे लिंक से परचेस करते हैं और उसका इनवॉइस हमें मेल करते हैं, तो आपको $1000 तक का प्रीमियम प्लगइन और थीम्स बिल्कुल मैं फ्री में दे दूंगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आज ही आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद ये जो आगे का प्रोसेस है, वहां से आपको वो चीजें करनी है वेब स्टोरीज के लिए, तो आप फॉलो कर सकते हो। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो शिवम जी, आप ये बताइए कि वेब स्टोरीज पर काम कैसे शुरू करना है, कैसे करना है काम, जरा बताइए। हां जी बिल्कुल। तो वेब स्टोरी में सबसे पहले सर, आपको जो अपना प्लगइन है मेक स्टोरेज या गूगल वेब स्टोरेज, उन दोनों में से कोई भी एक इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आपको अपनी वेब स्टोरीज को बनाना स्टार्ट कर देना है। तो इसमें मैं दोनों में एक बार फ़र्क बता देता हूँ ऑडियंस को, कि अगर आप गूगल वेब स्टोरेज करोगे तो उसमें जो आपका एड्स का स्लॉट होता है ना, एड्स का, और गूगल जो आपका एड्स दिखाता है, तो वो आपका सिर्फ एक डलता है, जिससे क्या होता है आपका CTR और एड्स कम आती हैं एज कम्पेयर टू मेक स्टोरीज। ओके, तो मतलब मेक स्टोरीज आप कौन सा यूज़ करते हो? मैं एक्चुअली मेक स्टोरीज यूज़ करता हूँ। आप मेक स्टोरीज यूज़ करते हो? ओके, तो मेक स्टोरीज का इन्होंने फ़ायदा बता दिया। तो अगर आप लोग जो भी वेब स्टोरीज करना चाहते हो, तो इसमें से आप मेक स्टोरीज प्लगइन को यूज़ करो, उसका फ़ायदा भी शिवम जी ने बता दिया। ठीक है, तो एक चीज़ हमें बता दीजिए, वेब स्टोरीज बनाने के लिए हमें ब्लॉग पोस्ट भी बनाते रहना है उस ब्लॉग पे, तभी इनकम होगी, या फिर सिर्फ वेब स्टोरीज बनाने से हो जाएगा? सर एक्चुअल में क्या है, अगर गूगल को हिंट मिलेगा कि आप सिर्फ अर्निंग के लिए वेब स्टोरीज बना रहे हो, तो वो पकड़ लेगा आपको, क्योंकि आप पोस्ट तो लिख नहीं रहे। okay. तो गूगल SEO भी चाहता है आपसे, और डिस्कवर भी चाहता है, दोनों चीज़ें चाहता है। तो दोनों को अगर आप पैरेलली काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली आप कहना चाहते हो आर्टिकल भी पोस्ट करना है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो चलिए अब हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए कि आप कैसे अपनी वेब स्टोरी बनाते हो, कंटेंट कहाँ से लाते हो, रिसर्च कैसे करते हो, और हमें किस टॉपिक पे वेब स्टोरी बनाना है, कैसे आप डिसाइड करते हो? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो इसके लिए मैं अपने PC की स्क्रीन पर बताता हूँ आपको। बिल्कुल। हाँ जी, तो अब हम किस तरीके से काम करते हैं, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ आपको कि कंटेंट कैसे ढूंढते हैं। हम सबसे पहले Bing.com पे जाते हैं, और ये जो है, मैं दो तरीके से अब इसमें कंटेंट बताऊंगा किस तरीके से। एक आप कीवर्ड वाइज ढूंढ सकते हो, दूसरा आप ट्रेंडिंग ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेंडिंग बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको, जैसे आप Bing.com खोलोगे, कीवर्ड बेसिस पे या फिर ट्रेंडिंग पे? सर मैं कहूँगा कि दोनों पे करो तो बेटर है। जैसे अगर दिन की अगर आप 10 वेब स्टोरीज बना रहे हो, तो 5 ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बनाओ और 5 अपने कीवर्ड ढूंढ के बनाओ जो अच्छे CPC के हों। तो Bing.com में हमें आके सबसे पहले तो हमारी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब मैं ट्रेंडिंग टॉपिक का बताता हूँ। अगर आप US टारगेट कर रहे हैं तो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो अब इसके बाद जो नीचे टॉप स्टोरीज आ रही हैं, ये आप देख सकते हो, ये टॉप स्टोरीज हैं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है जो USA में चल रहे हैं। तो आपको वो टारगेट करने हैं जिनका आपको इंडिया में मतलब बिल्कुल कम नाम सुनने को, या फिर नाम ही नहीं सुनने को मिलता। क्योंकि उससे क्या होगा कि डिस्कवर है जो हमारा, वो इंटरेस्ट बेस काम करता है। बिल्कुल। हाँ जी, तो उससे क्या होगा, हमें जो लोगों के इंटरेस्ट में होगी ना चीज़, वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचाएगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, ये एलोन मस्क है जैसे, तो ये हमें बनानी नहीं है क्योंकि इंडिया में ये कॉमन है। तो हमें जैसे स्टीव हैरी, तो ये USA में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटी है, और इंडिया में इसको बहुत कम लोग जानते हैं, और ना कोई सर्च करता होगा, तो इसके ऊपर हम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टॉपिक आ गया। अब हमें
क्या करना है, इसकी पिक्स चाहिए हमें। सबसे पहला जो हमारे पास जो दिक्कत आएगी वो पिक्स की आएगी, क्योंकि क्या होता है गूगल वेब स्टोरेज में आपके पिक्स को सबसे पहले कंसीडर करता है कि वो कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए। तो कॉपीराइट फ्री कहाँ से आएंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉपीराइट फ्री यूज़ करो, या फिर आपको स्पेशल हर एक पिक पे वो देना पड़ेगा क्रेडिट, कि जहाँ से भी आप ले रहे हो तो उसे क्रेडिट दो साथ के साथ। हाँ जी हाँ जी, तो हेडलाइन तो आप यहाँ लाइक वेब स्टोरेज बनाते समय ही देना पड़ेगा, राइट? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अब ये एक टाइटल है, तो इसका हम कुछ अच्छा सा खुद ही बना के लिख सकते हैं, या फिर सेम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव हो तो मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, 5-10 मिनट सोचने में, ठीक है? तो ये हमारे पास टाइटल हो गया, थोड़ा बड़ा है इसे हम छोटा करेंगे, जैसे स्टीव हार्ले हेल्प डिलीवर एन ऑल टाइम ग्रेट सेलिब्रिटी फैमिली। तो हम ये पूरा नहीं उठाएंगे, यहीं तक उठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें ऑल टाइम ठीक है ग्रेट बता रहे हैं, ठीक है। बेसिकली शिवम जी ये कहना चाहते हैं कि आपको जो भी न्यूज़ है, जो भी स्टोरी है, उसका आप जो टाइटल है उसको अपने हिसाब से आप बनाएं, यूनिक आर्ट थोड़ा सा उसको लिखिए अलग, सेम टू सेम लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है, कॉपी पेस्ट नहीं करना एग्जैक्टली, क्योंकि वो इजी है, कोई भी वो कर सकता है, तो ऐसे में रैंक होने के चांसेस नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा यूनिक उसको बनाते हो टाइटल को तो बता रहे हैं। जी शिवम जी, और अभी लास्ट मंथ गूगल का अपडेट आया था, उन्होंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स को डाउन किया इसी चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पर भी आएंगे। हाँ हाँ जी, हम उस पर भी आएंगे। एक बार आप ये बता दीजिए वेब स्टोरीज का कैसे करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुला हुआ है, वहाँ पे मेक स्टोरीज, आपको मेक स्टोरीज करके एक प्लगइन है वो इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ आपको ऐसा डैशबोर्ड नज़र आएगा जब आप उस पर क्लिक करोगे, एंड फिर यहाँ पर आप लॉगिन करके आप अपना जो वेब स्टोरी है उसको यहाँ से क्रिएट करोगे। तो हमें यहाँ से सबसे पहले क्रिएट करना है न्यू स्टोरी को। पूरा एग्जैक्ट ये प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे ये करते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, अपनी क्रिएटिविटी लगानी है, और इसको आप कर सकते हो। जो एकदम न्यूबी हैं वो इसको एकदम प्रोसेस को हूबहू फॉलो भी कर सकते हैं, और आपको तुरंत रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। विद इन अ वीक मैं बोल सकता हूँ कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, अगर आपने सही तरीके से काम किया तो। हाँ जी, तो अब हमें टेम्पलेट जो चूज़ करने हैं वो यहाँ से हम कर सकते हैं। टेम्पलेट जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं 8 या 10 मतलब स्लाइड्स रखते हैं, 8 to 10 स्लाइड्स। तो जिससे क्या होता है जो ऐड होती है वो हमारी 7th या 6th पेज स्लाइड पे आती है, तो वो ऐड भी कवर हो जाती है और हमारा कंटेंट भी हो जाता है पूरा। तो मिनिमम 10 स्लाइड का आपको बनाना सही रहता है। हाँ बिल्कुल। तो अब ये जैसे यहाँ पे स्लाइड वो हैं टेम्पलेट्स, तो हमने वर्कस्पेस में पहले ही अपने कुछ रेडी करके रख रखे हैं। ओके तो जैसे ये है, मैं इसी को ऐड सेट कर लेता हूँ, क्योंकि आपको फिर हर बार नया टेम्पलेट लेना पड़ेगा तो आपको चेंज करनी पड़ेंगी चीज़ें। आप एक ही टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो बार बार, कोई इशू नहीं है, या 4-5 टेम्पलेट बना के रख लो पहले ही, आपका टाइम बच जाएगा उससे, और उसके बाद आप उन्हीं को यूज़ करो रिपीट करके। ओके तो अब इसके बाद हमें टाइटल यहाँ डाल दिया जैसे, और हमें जो भी हमारा डाटा है सबसे पहले, अब जो ये चीज़ है अंदर की चीज़ है, ये हमें एज इट इज़ कॉपी नहीं करनी है, ये हमें रीराइट करना है सबसे पहले, मैं बता देता हूँ। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, कॉपी पेस्ट कर देते थे, लेकिन ये भी सही नहीं है चीज़, इसे रीराइट करना ज़रूरी है, क्योंकि गूगल कहीं ना कहीं आपका टेक्स्ट पकड़ रहा है। आप तो रीराइट कैसे करना है, मतलब खुद सोच के करना है कैसे करना है? रीराइट मतलब कि बस मीनिंग सेम रहे, या फिर जैसे हम पर्सनली जो मैं बताऊँ आपको कि हम ये स्पिन बोट हो गया, या फिर मतलब कि क्विल बोट हो गया, इस टाइप के बोट्स यूज़ कर लेते हैं रीराइट करने के लिए, जिसमें प्लैग ना आए और सिनोनियम यूज़ हो जाए। तो मैं एक बार वैसे करके दिखा देता हूँ, जैसे स्पिन बोट में करके दिखा देता हूँ। आप ये देखिएगा कि कंटेंट पूरा हो जाए उस लाइन में कवर, क्योंकि गूगल अब देख रहा है कि कौन कम पा रहा है कौन ज़्यादा पा रहा है कंटेंट। तो यहाँ से हमें करना है स्पिन बोट से, ओके बेसिकली वो स्पिन कर देगा उस सेंटेंस को, गॉट इट। तो अगर आप अपने तरीके से करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे तो मशीन कर लाइक AI, तो इसको आप फिर होने के बाद एज इट इज़ आप इसको कॉपी कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन अगर आप खुद कर सकते हो तो वो बेस्ट है, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। इमेज पे लाके पेस्ट कर देना है, तो यही काम हमें करना है अपनी। हाँ जी,
टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग रख लेना साइज, क्योंकि साइज़ जो है हमारा वो भी विजिबल होना चाहिए। ये मोबाइल में विजिबल रहता है, हमने चेक किया था। तो एक बार मैं बता देता हूँ टेक्स्ट का साइज़ भी कि कितना रख सकते हो, 14 या 14 से ऊपर आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट कि जैसे हमें चाहिए इनकी इमेज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इनका अंदर का है ना अनस्प्लैश के साथ इनका लिंक है यहाँ से फ्री इमेजेस का, नहीं मतलब कि इनके साथ हम कर सकते हैं अगर हमें यहाँ मिल जाती है। हाँ जी, ये इनबिल्ड होगी ना, तो गूगल इस पर कुछ नहीं, अभी इनकी कोई भी हमें इमेज नहीं मिली जिनकी हमें सेलिब्रिटी की चाहिए, तो अब हमें किसी ना किसी थर्ड पार्टी की चाहिए होगी, तो हम यहाँ से उठाएंगे। लेकिन हमें साथ के साथ देना पड़ेगा क्रेडिट। तो जैसे ये IMBD है, ये अच्छी वेबसाइट्स हैं और ये ज़्यादा कॉपीराइट वगैरह भी नहीं करती, तो हम इनसे सेव कर सकते हैं इमेज और वहाँ पे फिर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से हमें ऐड इमेज पे करना है, ऐड न्यू मीडिया और अपलोड फाइल पे। ओके। और हमारी इमेज अपलोड कर देनी है हमें। तो अभी आप जिस ब्लॉग पे आप वेब स्टोरी पोस्ट कर रहे हो, तो आप बताना चाहोगे इस पे डेली का ट्रैफिक कितना है? बिल्कुल, मैं इस पे बता देता हूँ, हमारा अभी एवरेज आ रहा है 5,000 से 10,000। चलिए अभी आप एक वेब स्टोरी बना लो, फिर अपन बाकी के भी क्वेश्चन अपन करते हैं आगे। हाँ जी। तो ऐसा इमेज आपने सेट कर दिया, उसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिख दिया, ऐसे 10 स्लाइड हमें बनाने हैं। ठीक है। तो मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे, तो जो 10 स्लाइड हम बनाएंगे तो उस 10 स्लाइड में वो इस पूरी स्टोरी कवर होनी चाहिए कि किस बारे में है, उसका मीनिंग एक निकलना चाहिए। आपने जो भी वेब स्टोरी आप बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, मतलब कोई जो बंदा जो यूज़र जो पढ़ता है उसको देखता है, तो उसको एक मीनिंग आना चाहिए और उसको वैल्यू मिलना चाहिए बेसिकली, तभी जाके आपकी वेब स्टोरी चलेगी। अब ऐसा नहीं है कुछ भी ऐसे 10 स्लाइड में डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए अब इसमें आप बता दें कि ऐड कैसे प्लेस करते हैं इसमें। तो अब एग्जांपल के लिए हमारी अगर स्लाइड्स पूरी हो गई हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या होगा, पब्लिश पे क्लिक करना है। अब इसमें क्या फ़ायदा है, सबसे पहले आपको कि यहाँ पे आपका सारा जो आएगा टाइटल वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पोस्टर आएगा आपका। तो एक बार मैं पोस्टर भी क्लियर कर देता हूँ कि पोस्टर आप या तो अंदर से लगा सकते हो, अगर अंदर से नहीं मिलता तो आपको 915x950 की एक इमेज बनानी पड़ेगी कैनवा से, हाँ, या फिर उससे बड़ी आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी। जो साइज़ है इनका वो है 915x950, तो ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हो हाँ काम करना पड़ेगा आपको। बेसिकली पोस्टर का मतलब थंबनेल हो गया, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ आपको जो है डिस्कवर में दिखाई देगी, अगर गूगल के डिस्कवर में पेज पे आपकी स्टोरी। तो हम जितना अपीलिंग लगाएंगे, जितना मतलब हाई CTR वाला लगाएंगे, तो ही हमारे लाइक उस पर क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये पोस्टर की बात थी। अब जो हम SEO और मेटा टैग्स है, एक्चुअली हम ये नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो इंटरनल स्कीम होता है मेक स्टोरेज का, वो एक्टिव हो जाता है, तो वो एम्प के साथ फिर क्या करता है, वो कुछ एरर दिखाना स्टार्ट कर देता है आपको सर्च कंसोल में, तो वो थोड़े टाइम अगर आपके चल गई एज इट इज़ छोड़ देना। हाँ, एज इट इज़ हम छोड़ देते हैं इसको। और इसके बाद स्टोरी वैलिडेशन में अगर आपके टेक्स्ट वगैरह अल्ट टेक्स्ट वो आप डाल सकते हैं इसे एडिट करके अपनी इमेजेस में, जैसे ये इमेज है, तो आप अपना टाइटल और जो आपका नाम है वो आप डाल सकते हो, ठीक है, तो ये उस टाइप की चीज़ है, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा ऐड का, ये आता है सेटअप एनालिटिक्स में, इसके नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एनालिटिक्स का कोड डालना है, इससे आपकी मतलब कि जो ट्रैफिक है वो एनालिटिक्स में आएगी। ओके। तो हमें हर एक स्टोरी में एक करना पड़ेगा? नहीं, आप इसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हो ना, और यहाँ से हमें मोनेटाइजेशन के लिए करना है एडसेंस। अगर आपके पास एड मैनेजर है और वहाँ से आप कोड निकालते हो तो वो भी आप कर सकते हो यूज़। तो हमारे पास तो एडसेंस है, इसलिए हम यहाँ पे पब्लिशर आईडी डालते हैं और यहाँ पे हमारा स्लॉट आईडी। तो जो ये स्लॉट आईडी का ऑप्शन है, ये आपको हर एक स्लाइड में अलग भरने का ऑप्शन मिलता है, तो जिससे क्या होता है आपकी आप अलग एक स्लॉट आईडी को 5 से 10 वेब स्टोरीज में यूज़ कर सकते हो, जिससे ज़्यादा एड्स आती हैं।
ओके, मुझे अगर एक और ऐड लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, इसी वेब स्टोरी में? नहीं 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 इसी इसी में तो उतनी आएंगी, एक ही आएगी। अगर आपको ज़्यादा ऐड लगानी है तो आपको स्लाइड्स बढ़ानी पड़ेंगी। अच्छा, कितनी स्लाइड्स लगा सकते हैं अपन? मतलब 10 से ज़्यादा और करना पड़ेगा, 10 से ज़्यादा करना पड़ेगा? हाँ, अगर देखो आप 14 से 15 स्लाइड डालोगे तो दो ऐड्स आएंगी, 21 से 22 स्लाइड्स डालोगे तो तीन ऐड आएंगी। लेकिन उससे एक नेगेटिव इफेक्ट है, आपकी एड्स तो ज़्यादा शो कर देगा, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट पेज से लेके ये मान लो आपके 22 पेज स्लाइड्स हैं, तो 22 स्लाइड तक अगर मतलब कि कोई पर्सन आया और वो गया नहीं ना लास्ट पेज तक, तो नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा गूगल को, तो वो रीच कम कर देगा, तो हमें इससे पब्लिश स्टोरी कर देना। बढ़िया, तो ये हमने सीख लिया कि लाइक वेब स्टोरीज बनाना कैसे, पब्लिश कैसे करना है। अच्छा, मुझे अभी आप बता दोगे कि लाइक कोई अपने कोई वेब स्टोरी बनाई हो उसको आप शो कर सकते हो? हाँ जी हाँ जी, इस पर डेली काम हो रहा है जो मैं ये दिखाया आपको, कुक चैनल्स। ओके, वैसे जो इसका डोमेन आपने लिया हुआ है cookchannel.in, तो डॉट इन डोमेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम US टारगेट कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ था, ये चीज़ हमने ये एक्सपेरिमेंट करा था इस महीने में, लास्ट मंथ क्या हुआ था, एक गूगल का अपडेट आया था, उन्होंने इंटरनेशनल टारगेटिंग डॉट इन पर बंद कर दी थी। तो ये हमने क्या किया था, गूगल को ये लगा लो मैनिपुलेट करने की थोड़ी ट्राई की थी, कि पहले हमने इंडियन वेब स्टोरीज डाल के एकदम US में शिफ्ट कर दिया था जैसे ही डिस्कवर ऑप्शन खोला, तो वो काम कर गया था। तो आप बताना चाहोगे कि कैसे टारगेट कैसे करते हैं, हम USA को कैसे टारगेट करेंगे? बस टारगेट तो सिंपल ही है इसमें, कि आप उस उधर के कीवर्ड्स कीवर्ड से रिलेटेड वेब स्टोरीज बना लो या फिर ट्रेंडिंग से, तो वो अपने आप गूगल समझ जाएगा कि किस रीजन में दिखानी है। मेक स्टोरीज में एक ये भी है कि क्योंकि ज़्यादातर लोग मेक स्टोरीज पे काम कर रहे हैं तो इनके सर्वर थोड़े से डाउन रहते हैं, तो जैसे स्टोरी हमने आज ही बनाई थी। तो जो फाइनल वेब स्टोरी जो आउटपुट होता है कुछ ऐसा होता है, ऐसे स्लाइड्स के रूप में होता है, तो पीसी पे आपको ऐसा दिख रहा है, अगर आप मोबाइल फ़ोन में देखोगे तो बिल्कुल जैसे स्टोरीज नॉर्मल दिखती हैं लाइक इंस्टाग्राम और बाकी के जो भी स्टोरीज होती हैं, तो इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है। और इसमें बीच में कहीं एक ऐड आता है और उस ऐड पे जब क्लिक आते हैं तो आपको वहाँ से पैसे मिलते हैं। बेसिकली गाइस, अभी हमने सीखा कि कैसे वेब स्टोरीज बनानी है, कैसे शिवम जी ने बताया कि कैसे आप वेब स्टोरीज बनाओगे, उसके लिए कंटेंट कैसे लेके आओगे, तो उन्होंने वो भी तरीका बता दिया। अब देखो, अब हम इसमें बात करना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे लोगों ने वेब स्टोरीज ट्राई भी किया है, उनको ट्रैफिक भी आया है, बट वो ट्रैफिक डाउन भी हो गया है। तो शिवम जी, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि ट्रैफिक आपका कभी ज़्यादा आया हो फिर डाउन हो गया हो? हाँ जी हाँ जी सतीश भाई, तो हमारे साथ काफ़ी डोमेन्स के साथ हुआ है कि ट्रैफिक आया लेकिन मतलब कि थोड़े टाइम बाद वो डाउन हो गया, ये लगा लो आप 1 वीक चला, 2 वीक चला या 1 मंथ मैक्सिमम चला, उसके बाद डाउन हो गया। फिर आप उसको वापस ऊपर कैसे लेके आते हो? तो एक्चुअली हम क्या करते हैं सतीश भाई, हम पहले ही बैकअप प्लान्स रख लेते हैं, 2-4 डोमेन या 5 डोमेन पे ना एडसेंस अप्रूव करवा के पहले ही रख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि वेब स्टोरेज हम थोड़े टाइम बाद उन पर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, मतलब आपने और भी इसके जैसे आपने और भी ब्लॉग बना के रखे हुए हैं, फिर वहाँ पे आप पोस्टिंग करने लगते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि अभी ये नया ही है, काफ़ी कम लोग काम कर रहे हैं इस पर? फ्यूचर तो सर इसका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बस क्या होगा गूगल थोड़ा फिल्टर करता रहेगा अपने वेब स्टोरीज को, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी भी है, लोग क्योंकि कॉपी पेस्ट ज़्यादा करने लग जाते हैं। जो आपने आपने जैसा कि बताया, आपने मल्टीपल डोमेन्स पे आपने एडसेंस अप्रूव कराया हुआ है, तो आपने कैसे एडसेंस अप्रूव किया है, थोड़ा सा अगर 2-3 टिप्स देना चाहो कि इजीली हम नए ब्लॉग पे कैसे एडसेंस अप्रूव पा सकते हैं? सर देखो, जो सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है ना, वो है आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसकी अथॉरिटी का, जो सबसे बड़ा रोल मतलब रोल है उसमें, क्योंकि जो आपके पहले जो एडसेंस अप्रूवल हो रखी है वेबसाइट, वो आपके गूगल एडसेंस के ना अकाउंट को थोड़ा अच्छा अथॉरिटी दे देती है, क्योंकि उन पे अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है गूगल को तो वो आपको नेक्स्ट टाइम और दे देती है, अगर आप नए अकाउंट पे इस टाइम जाओगे तो वो थोड़ा इशू रहता है। जैसे आप ये बताना चाहते हो कि अगर आपके पास ऑलरेडी एडसेंस है तो उसमें आप मल्टीपल डोमेन्स को इजीली ले सकते हो, बट अगर कोई बंदा जिसके पास एडसेंस अकाउंट है ही नहीं और वो नया शुरू करना चाहता है, उसके लिए आप क्या टिप देना चाहते हो? उसके लिए सर सबसे पहले तो आपके जो ब्लॉग्स हैं, सबसे पहले आपको ब्लॉग्स पे ही काम करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, ब्लॉग्स अच्छे लिखो, उसके बाद 15-20 ब्लॉग्स के बाद आपके आपका अबाउट अस सबसे अच्छा होना चाहिए, जो गूगल को पसंद है, और कॉन्टैक्ट अस क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये तीन
दो तीन चीजें हैं। बिल्कुल, तो जैसा शिवम जी ने बोला कि अगर आप नया शुरू कर रहे हो, आपके पास कोई एडसेंस अकाउंट नहीं है, तो पहले आप ऑथेंटिक होके काम करो, ओरिजिनल कंटेंट बनाओ जो गूगल को पसंद आए, तभी जाके आपको एडसेंस अप्रूवल होगा। ज़रूरी नहीं कि आपको ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो ही एडसेंस मिलेगा, लेकिन अगर आप कंटेंट अच्छा लिख रहे हो, गूगल उसको मैनुअली रिव्यू करता है एंड फिर वो देखता है अगर आपने कंटेंट अच्छा बनाया हुआ है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, जो भी लैंग्वेज एडसेंस सपोर्ट करता है उसमें अगर आपने लिखा हुआ है तो आपको इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, एंड इसके बाद आप फिर वेब स्टोरीज पर काम करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो शिवम जी, तीन कोई सीक्रेट आप बताना चाहो वेब स्टोरीज के बारे में, जो आप बताना चाहते हो ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहो आप? तो सीक्रेट सतीश भाई ये है कि आपका जो मतलब कि ऑडियंस रिटेंशन है वेब स्टोरी का, जैसे वन से लेकर लास्ट पेज तक, वो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये लोग मतलब कि अनदेखा कर देते हैं या कुछ स्टोरीज इस तरीके की नहीं बनाते कि वो लास्ट तक बंदे को लेके जाएं। अगर कोई पर्सन आपका लास्ट तक चला गया ना, तो वो रिकमेंडेशन में अपने आप चली जाएगी। और दूसरा सर क्या है कि आप जो यूएसए को टारगेट करने वाले हो, आप ऐसे कीवर्ड को टारगेट करो जिन पे डाटा कम है और सर्चेज आपको ज़्यादा मिले। जिस तरह जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि जो मेगा मिलियन लॉटरी है वो यूएसए में कितनी ज़्यादा चलती है, उस पर काम कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। ओके हाँ, लेकिन हमने क्या करा था, एक बार हमने एक स्टोरी बनाई थी उस पर, मतलब कि हम बनाते तो मल्टीपल स्टोरीज हैं, लेकिन जो एक स्टोरी थी वो सिर्फ एक स्टोरी हमें $1200 दे के गई थी एक दिन में। एक स्टोरी से कितना बना के गया था? $1200। अरे क्या बात है, अमेजिंग। इस बात पर गाइस लाइक हो जाए जरूर, काफ़ी अपने अच्छे इंसाइट शेयर करें। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया कि वेब स्टोरी हम पब्लिश करते हैं, तो उसके कितने टाइम के बाद वो रैंक हो जाता है, गूगल में रैंक होना शुरू हो जाता है? ये सर आपके डोमेन पे अब ज़्यादा रह गया, क्योंकि पहले क्या होता था, फ्रेश डोमेन्स को गूगल चांस देता था, लेकिन अब थोड़ी अथॉरिटी होनी चाहिए, थोड़ा बैक लिंक्स होने चाहिए उसके, और आपकी जो स्टोरीज है वो भी ऑथेंटिक होनी चाहिए। पहले तो नए उन पे ज़्यादा चांसेस रहते थे, लेकिन अब भी यूजुअली आपको कितना वक्त लग जाता है आपके वेब स्टोरीज को रैंक होने में? हमारे सर अगर एक बार आने स्टार्ट हो गए फिर तो हम जैसे ही डालते हैं उसके 2 मिनट बाद ही आ जाता है डिस्कवर में। ओके, तो एक दिन में बताइए कितने वेब स्टोरीज पब्लिश करनी चाहिए? एक्चुअली इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है डिस्कवर से तो आप उसको इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि जो आपका वेब स्टोरी से ट्रैफिक आएगा ना वो कांस्टेंट नहीं आएगा कभी भी। ये मैंने 8 से 10 डोमेन पे ट्राई करके देख लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एक और चीज़ बताइए, जैसे बहुत सारे लोगों ने वेब स्टोरीज को ट्राई किया है, जैसे मैंने भी पहले बोला हुआ है कि आप वेब स्टोरीज को ट्राई करो, तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि भाई हम पैसे नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहोगे, क्या कारण है कि वो पैसे नहीं बना पा रहे हैं वेब स्टोरी से, क्या गलतियां कर रहे होंगे? देखो सतीश भाई, कुछ लोग तो क्या करते हैं 2 या 3 वेब स्टोरी दिन की डालते हैं, ठीक है, तो ऐसे तो देखो नहीं होता, क्योंकि आपको शुरू में तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम खुद बताएं तो 20 से 30 वेब स्टोरी तक भी डालते थे हम पर डे। तो शुरू में आपको अगर डिस्कवर में लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी अगर आप शुरू में 20 या 30 डाल रहे हो तो उसमें से भी 3 या 4 आएंगी, तो ये रेशो रहेगा शुरू में। तो ज़्यादातर लोग वही कहते हैं कि 2 या 3 वेब स्टोरी बनाई हैं और उसके बाद आया नहीं है, नहीं ऐसे तो नहीं। तो थैंक यू शिवम जी, आपने काफ़ी अच्छा इंसाइट शेयर किया, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया कि वेब स्टोरीज पे हम कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हो वेब स्टोरीज पे काम करने के लिए, आप क्या सुझाव देना चाहोगे नए लोगों को? तो नए लोग तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि वो अपनी जो वेब स्टोरीज के बनाने की स्पीड है और जो मतलब कि उनकी क्वालिटी है, इन दोनों पे ध्यान दें सबसे पहले, क्योंकि नए लोग शुरू में वेब स्टोरी के नंबर ऑफ स्टोरीज ही नहीं बना पाते, सबसे पहली बात उनके लिए यही है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ट्रैफिक नहीं आ रहा, हम वेब स्टोरी भी बना रहे हैं, तो वो ये गलती करते हैं कि वो पोस्ट नहीं डालते साथ में, फिर गूगल डिटेक्ट कर लेता है। गजब, थैंक यू सो मच शिवम जी। चलिए अब हम थोड़ा सा आना चाहेंगे मोटिवेशन के लिए, आप बताना चाहोगे कि लाइक अभी तक आपने वेब स्टोरी से कितना आपने अर्न किया है? तो सतीश भाई, जैसे लास्ट आप ये लगा लो, हमने जनवरी से यूएसए टारगेट स्टार्ट किया था करना, और अब मेरे ख्याल अगस्त आ गया है, तो हमने 7 महीने में $20,000+ बना लिए हैं वेब स्टोरी से, सिर्फ वेब स्टोरी। $20,000? यस। क्या बात है, और अभी पर मंथ क्या जा रहा है? पर मंथ सर हमारा $3,000 से लेके $6,000
इसके बीच में रहता है। ओके तो मैं चाहूंगा शिवम जी प्रूफ के लिए आप अगर स्क्रीनशॉट वगैरह दे दें, बैंक प्रूफ थोड़ा सा दे दें, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा भरोसा हो जाए, फिर उनको थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए इस चीज में, तो प्लीज आप प्रोवाइड कर देना। बिल्कुल बिल्कुल सतीश भाई, मैं आपको बैंक का जो स्क्रीनशॉट है वो भी सेंड कर दूंगा और एक एडसेंस का भी दे दूंगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत वेब स्टोरीज के बारे में आइडिया लग गया होगा। इवन शिवम जी ने इतना स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप वेब स्टोरीज क्रिएट करोगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है वेब स्टोरीज से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर उसको आने वाले वीडियोज़ में कवर करूँगा और अच्छे से। अगर आपका कुछ ऐसा प्रश्न रहा जिसका मुझे लगेगा कि इसका उत्तर देना ज़रूरी है तो आप नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हो। बाकी शिवम जी, अगर आपसे लोग कनेक्ट होना चाहते हैं तो लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ, तो सतीश भाई मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है मेरा भी, मैं वेब स्टोरीज के बारे में ही थोड़ा बहुत दे देता हूँ उसमें नॉलेज लोगों को, और एक इंस्टाग्राम है वो भी मैं दे दूंगा आपको लिंक, वहाँ से भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच शिवम जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी ऑडियंस को बताया। मैं आपको बता दूँ कि रात को हम 1:22 पर वीडियो शूट कर रहे हैं, तो शिवम जी इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मतलब अपना नींद खराब कर हमारी ऑडियंस को आप इतनी कीमती चीजें शेयर कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। और गाइस मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पर आप लोग लाइक बरसाएं, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, क्योंकि मैं वैल्यू में कमी तो नहीं रखता, तो आप भी लाइक में कंजूसी मत करिए। और दोस्तों अपना ब्लॉग शुरू करने के लिए आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको 149 पर मंथ वाले प्लान में एक फ्री डोमेन मिल जाता है और फ्री SSL भी मिल जाता है, और साथ ही साथ SSD स्टोरेज के वजह से आपके वेबसाइट की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, जो रैंकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और दोस्तों कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें सतीश के, जिससे आपको इंस्टेंटली अप टू 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना ब्लॉग शुरू करें और वेब स्टोरेज पे काम करें, और फिर मुझे बताएं कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट में, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।